जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बिहार दरोगा का पीटी हुआ था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने उसको क्वालिफाई किया है। अब उनके सामने एक एग्ज़ाम आया है बिहार दरोगा का मेंस, तो उसी के लिए एक व्हाट्सएप पे एक पेपर कटिंग दिया गया है। खुशखबरी यही है कि जो दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा है वो 22 जुलाई को संभव है, जिसमें कहा गया है कि दो पेपर होगा। एक तो आपका पहले पाली में आपका हिंदी होगा और दूसरे पार्ट में आपका जीएस होगा, यानी समान अध्ययन। लगभग 100-100 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग है, यानी अनिवार्य है पास करना, और फिर उसके बाद जीएस का पेपर है जिस पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन ये तो आप भी पढ़े होंगे कि भाई आप जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम निकाला कैसे जाए। देखिए, मेरे बहुत सारे बच्चों ने पीटी पास किया हुआ है और वो अभी टेस्ट दे रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो उनसे बात कर सकूं या उनके मेरी बातों को वो समझ सके। अगर 100 में से 2-3 बच्चे भी समझ जाएंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी के माइंड को चेंज नहीं किया जा सकता है या चेंज करने की कोशिश भी नहीं मैं कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आखिर क्या होता है जब हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, तो अंदर से कैसा एक फीलिंग होता है और कैसे कैसे हम लोग करते हैं, जिससे या कह सकते हैं हम लोग गलतियाँ भी करते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं जिससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और कुछ लोग ऐसे लगे रहते हैं जिनका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो क्या अंतर होता है जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है और क्या अंतर है जिनका एग्ज़ाम निकल जाता है, फिर वो करते क्या होंगे। तो एक चीज़ अगर बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे आप, एग्ज़ाम निकल गया तो वो बोलते हैं, अरे यार मेरा पीटी निकल गया है, अब क्या करें, ये किताब खरीदे वो किताब खरीदे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आप उस किताब को चयन कीजिए। सबसे पहले आप क्या यही कीजिए कि आप पहले जितना भी पीटी एग्ज़ाम हुआ है या मेंस एग्ज़ाम हुआ है 10 साल का, उस क्वेश्चन को निकालिए, उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि किस पैटर्न पे ये एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक। उसके बाद उस लेवल की तैयारी कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ने लगे पूरा आईएएस का या पीसीएस लेवल का या और अपर लेवल का, अगर बिहार पीसीएस का देखा जाए और यूपीयू पीसीएस का पीटी देखा जाए, तो लगभग फैक्ट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बिहार दरोगा भी उसके लायक है। लेकिन आप पढ़ने लगे बहुत कुछ, तो अभी एक सोचने वाली बात है कि 2 महीना है आपके पास और 2 महीना में अगर आपको रिजल्ट निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो आप क्या 76 बुक खरीद लीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, 76 सेट बना लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। इसमें एक ही चीज़ होने वाला है, आप अपने दिमाग में 2 महीने में एक तो चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी बात बहुत ज़्यादा किताब पढ़ रहे हैं, जिससे आपके दिमाग का जो छवि, जैसे किसी चीज़ का एक छवि बनता है, वो छवि क्या हो रहा है, धूमिल हो रहा है, और टेंशन में आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक। मुझे लगता है कि जैसे कि अगर मान लो कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, आप देखते होंगे कोई अगर नौसिखिया क्रिकेट खेल रहा होगा तो सोचता होगा कि हर गेंद पे छक्का ही मारे हैं और किसी तरह से बस भांजना ही जानता है, वो भांज रहा है पूरा, मतलब भोजपुरी में बोल रहा है कि वो मतलब वो हॉक रहा है। और जो सीरियस, जो बहुत मेंटेन खिलाड़ी होता है, यानी जो अनुभवी खिलाड़ी होता है, वो पिच पे जाता है, कभी रोकता है कभी शॉट मारता है और हर बॉल को उसके अंदाज से खेलने का कोशिश करता है। इसका मतलब कि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो उस बॉल की गति को, किस गति में है, किस भाव से आ रहा है, स्पिन बॉल आ रहा है या फास्ट बॉल आ रहा है, उसको समझने की थोड़ा कोशिश किया कीजिए। जैसे भी मैं अपने कोचिंग में टेस्ट वेस्ट ले रहा हूँ, तो टेस्ट वेस्ट लेता हूँ तो उसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। चलो ठीक है यार, रिक्वायरमेंट है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इतना भी हड़बड़ा कर मत पढ़िए या इतना भी आप ज़्यादा उत्तेजित मत हो जाइए जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। मुझे लगता है कि अगर आपको, अगर जुलाई में एग्ज़ाम है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो उस भाव को देखते हुए, जैसे मैंने जो रिसर्च किया है इस एग्ज़ाम के प्रति, तो यही देखा है कि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अधिकतर फैक्ट से होते हैं, और थोड़ा मैं उन पर चर्चा भी करूँगा कि आप उसको एग्ज़ाम को निकाल लें, क्योंकि अगर आपको पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए घातक है और कहीं ना कहीं चुप कर जाइएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और मेरी धारणा है कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को समझें, क्योंकि देखिए मैंने भी तैयारी किया था यूपीएससी का
और मैं भी जहाँ से किताब मिल रहा था, जैसे कि जब मुखर्जी नगर में था तो क्या करते थे हम लोग, दो दोस्त लोग थे, तो शाम हमको निकलते थे, जब भी किताब की दुकान पर जाते थे और कुछ किताब खरीद लेते थे। किताब खरीदने के बाद हम लोग दो तीन पेज पढ़ते थे, फिर उसके बाद फिर शाम को गए, फिर एक किताब खरीद लिया। होता क्या था कि हमारे यहाँ किताबों का ढेर लग जाता था, एक से बड़ा किताब, और पढ़े कितना हम लोग हैं, 10 पेज 20 पेज। तो हम लोग ने भी गलती किया है कि जिससे हम लोग कहीं ना मिस्टेक करके आज हम लोग टीचर के रूप में स्थापित हैं, शायद IAS के रूप में स्थापित नहीं है, ये हमारी गलती है। और उन्हीं गलतियों को भागते हुए मैंने देखा कि नहीं, कुछ तो दिक्कत है जो हमने गलती किया है। और अभी जैसे 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, और उस एक्सपीरियंस में देखा मैंने कि मतलब बहुत सारे बच्चे मिले, बहुत तेज़ बच्चे मिले, बहुत कमज़ोर बच्चे मिले, बहुत मेहनती बच्चे मिले, बहुत से बच्चे ऐसे मिले जिनको विश्वास ही नहीं अपने ऊपर कि मैं तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी पढ़े ही नहीं हैं और नया नया चीज़ जानने को कोशिश करते हैं, और फिर भी जानने के बाद कहते हैं सर मुझे याद होगा कि नहीं होगा, सर मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। एक चीज़ बताओ कि अगर आप कुछ कोई काम करने जा रहे हो, ठीक, और आपसे बोला बेटा तुमको ये काम करना है, और आप पापा मैं कर लूँगा क्या, सर मैं कर लूँगा क्या, भाई ये मेरे से होगा क्या, तो अब आप अगर उससे बोलते हैं भाई ये मेरे से होगा क्या, तो जिसने आपको काम दिया है वो तो आपके प्रति ये सोच लेगा कि अरे ये तो खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो काम क्या कर लेगा। यानी इसका मतलब है कि आपके अंदर ऐसी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी काम को सही रूप से कर पाए। ये जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, जिस तरह से हम लोग माँ बाप पे विश्वास करते हैं, ये पृथ्वी है, ये सत्य है, इस पर हम लोग विश्वास करते हैं, तो अपने ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते हैं। और जिस दिन अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा तो आप पे कौन विश्वास करेगा, ठीक। अब रहा बात की तैयारी करने के लिए, सबसे बड़ा मंत्र तो यही है, विश्वास रखिए, धैर्य से पढ़िए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, टारगेट बनाइए, चैप्टर बाई चैप्टर टारगेट बनाकर। जैसे अगर मान लो अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 27 तारीख हुआ है अगर, और 27 मई, आपके पास पूरा जून है, उसके बाद आपका जुलाई है, अगर डेट बढ़ता भी है, क्योंकि 22 तो संभावित है, अगर मान लीजिए डेट बढ़ता भी है तो आपको 1-2 महीना और मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने PT पास किया है तो नेचुरल है कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, और उसके बाद आपका आ गया मेंस। तो आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे मेरे बच्चे सब्सक्राइबर स्टूडेंट सर बोल रहे थे सर कुछ बिहार का पढ़ाइए ना, सर कुछ बिहार का पढ़ाइए ना, बिहार दुर्गा कुछ पढ़ाइए ना बिहार के बारे में। हम बोले यार बिहार के बारे में पढ़ाएंगे, कुछ कुछ मैंने दे दिया था, 2-3 वीडियो बनाया भी था कि बिहार के विधान परिषद की संख्या कितनी है, विधानसभा की संख्या कितनी है, जनसंख्या कौन सा जिला, ये सब मैंने दिया हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ बनाऊंगा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि अगर आप चार क्वेश्चन के लिए पूरा आप एक मोटा बिहार का पूरा पुस्तक पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि मैं 90 क्वेश्चन पे टारगेट करूँ। अगर 100 में 4 क्वेश्चन अगर बिहार से आ रहा है या 10 क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस चीज़ को टारगेट करेंगे। फिर कहने लगते हैं सर इकोनॉमिक्स तो गजब क्वेश्चन आ रहा है। अरे आ रहा है, आपसे क्या बहुत लोग से नहीं बन रहा है। तो अगर सब कुछ छोड़कर इकोनॉमिक्स के पीछे पड़ेंगे तो जो चीज़ आपके पास जो मजबूत है वो पॉइंट भी आपका छूटते जाता है। मैंने अधिकतर मैंने गौर किया है, बड़े बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जैसे बहुत मैथ में बहुत तेज थे, और जब पता चला एग्ज़ाम देकर आया, हमने पूछा कि भाई आप किस किस चीज़ में अच्छा किए हैं, सर रीजनिंग में अच्छा किए हैं, मैथ तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, कितना किए, तो 50 में 25। अब जीवन भर आप 2-3 साल तक पूरा लगे रहे कि मैथ 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 मैथ, और जब आप देने गए तो मैथ पे ही नहीं बन पाता है। अच्छा कितने बच्चे होंगे, 100 में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में करीब करीब सालों साल समय बिताया है, उसके बाद कितने होंगे जो 50 में 50 बना के लाते होंगे, ऐसा नहीं होता है, और उसके चलते आप और सब विषयों पे भी ध्यान नहीं दे पाते, ठीक। और अभी तो समय ऐसा आ गया आपके पास कि अभी बिहार दरोगा का मेंस, फिर उसके बाद UPSC का, फिर CDPO का, फिर रेलवे RPF भी आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि RPF में भी आपका कॉन्स्टेबल और SI सब एग्जाम निकल चुका है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय है 2 महीना, तो आप उस खिलाड़ी के जैसे का खेलिए गेम को, जैसे लगे कि आप आराम से हर चीज़ को बाउंड्री के बाहर फेंक रहे हैं, धैर्य से, और आराम से जाएगा ये, और लंबे समय तक टिके भी रहिएगा। हड़बड़ा के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको टारगेट बनाइए,
जैसे मैं कहूँ, जैसे अभी आप अगर आपको करंट अफेयर आया ठीक, तो आप क्या करते हैं, करंट अफेयर लेते हैं और पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए पहले 10 साल में करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है ठीक। तो अगर मैंने सर्च किया है जैसे बीपीएससी का और इसका क्या बोलते हैं बिहार दरोगा का, तो देखा क्या है कि नियुक्ति से ज़्यादा आता है। तो मैंने नियुक्ति पे वीडियो बनाया भी था, फिर देखा कि पुरस्कार पे भी आता है, पुरस्कार पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर मैंने देखा कि जैसे आप ऐसा कहेगा ना नियुक्ति कहाँ से आएगा सर, तो बिहार के क्वेश्चन में बीपीएससी में तो राज्यपाल तक पूछ देता है। तो अब आप जैसे मान लीजिए अब कर्नाटक का चुनाव हुआ है, तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, इस तरह के टारगेट कीजिए आप। फिर से कौन सा तिथि आया, चक्रवात कौन सा आया, युद्ध अभ्यास क्या है, इन सब चीज़ों को देखा कीजिए। अगर बिहार में कुछ करंट अफेयर हुआ होगा, जैसे कि कोई रिकॉर्ड बनाया होगा, उन चीज़ों को टारगेट कीजिए, तब आप करंट अफेयर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। प्लस हमारे बिहार के एग्जाम में या यूपी के एग्जाम में खेल से भी ज़्यादा आता है। और देखा गया है जैसे अदर्स एग्जाम में देखिए तो क्रिकेट से बहुत कम आता है, लेकिन हम लोग के स्टेट में या यूपी के स्टेट में क्रिकेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तभी बहुत सारे अभी हुए हैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो कॉमनवेल्थ को भी आप टारगेट जरूर कीजिएगा। और पुरस्कार में जितना भी साहित्य पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, एबल पुरस्कार है, इन सब को टारगेट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर के बारे में, करीब 1 सप्ताह के अंदर ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम तो नज़दीक आ रहा है। और मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा, करेंट अफेयर वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे कभी करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि मेरे वीडियो अगर मान लीजिए 6 महीना बाद, अगर अभी मैंने अभी बनाया और 6 महीना बाद देखिएगा और कोई पुरस्कार चेंज हो गया, तो मैसेज करते हैं सर क्या बता रहे हैं आप, इस पुरस्कार तो चेंज हो चुका है, मतलब ये पुरस्कार तो ये इनको मिला है और आप बता रहे हैं उनको मिला है। अरे भाई तो आप देखिए ना कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया है, जब अपलोड किया था तो उनको मिला था। अगर मैं अभी पुरस्कार का बनाऊं और पता चला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को मिल गया, और मैंने दिया हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार आज तक का, तो तुरंत मैसेज करने लगते हैं लोग। तो थोड़ा उस चीज़ को भी आपको समझना होगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत तेज़ हैं, अच्छी बात है, तेज़ भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी भावनाओं को समझा कीजिए कि जो बनाने वाला व्यक्ति है वो खुद लगा हुआ है कि कितना। जैसे हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो आने से पहले हम लोग बहुत सारे बुक को भी देखते हैं कि नहीं कुछ गलती ना हो जाए। हाँ जैसे एक वीडियो में मेरे से गलती हुआ लोकसभा राज्यसभा वाला में, कि 545 मैंने बोल दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था 245। लगातार कमेंट आते हैं क्या सर आप राज्यसभा का 545 बता रहे हैं, और वो कमेंट भी नहीं पढ़ता। मैंने पूरे कमेंट का जवाब दिया हाँ भाई गलती से हो गया। तो इंसान है यार, इंसान में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अभी आप गलती मत कीजिएगा। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे हूँ, एक यूट्यूब ने एक अच्छा सिस्टम निकाल दिया है कि कहीं से भी आप बड़े से बड़े जगह पे पहुँच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देख लेते हैं, अगर खराब लगता होगा तो यूट्यूब पे तो बहुत महारत लोग हासिल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लोग पढ़ाते भी हैं। मैं ये नहीं कहता होगा आप मेरा ही वीडियो देखा कीजिए, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि अब मेरे दो दो इंस्टीट्यूट है, मुझे सुबह शाम तक यानी 5 बजे 6 बजे उठकर पढ़ाना जाना होता है, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को फैमिली है, फिर फैमिली को देखना, फिर रात को 11-12 बजे वीडियो बनाना। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, रात हो रहा है, फिर एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो देता हूँ। तो ये सब थोड़ा ये हो जाता है, बहुत सारे फरमाइश भी आते हैं सर इस पर बनाइए, सर उस पर बनाइए, सर उस पर बनाइए, तो मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे भी लगता है कि अगर मेरे पास, तो मुझे लगा था कि 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, क्या पता 1,000 बहुत होते हैं यार, लेकिन आज 36,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे 36,000 भी हैं, तो लगता है कि हाँ चलो है ना, इतने लोग जुड़े हुए हैं। अब मैसेज के द्वारा मुझे लगता है कि नहीं, अब लोग मुझे कुछ पसंद भी करते हैं, अब कुछ पसंद करते हैं तो कुछ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और रहा बात पैसे की, तो वाकई यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी पैसा मुझे देता है, तो एक लगता है कि चलो यार मैं विदेश से पैसा मंगा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, दूर दूर के लोगों से जुड़ा हूँ, पूरा इंडिया के हर कोने से लोग मैसेज करते हैं, ये भी मेरे लिए खास बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर दरोगा का पीटी निकालना हो तो आपको टारगेट कैसे करना होगा और किस ढंग से तैयारी कीजिए। आपके पास समय है, और हड़बड़ा कर नहीं, ना ज़्यादा किताब खरीदिए,
और ज़्यादा ना उसको मतलब टेंशन लीजिए। आपने सही पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है तभी आप पीटी निकाले हैं, और आपको बस थोड़ा रिवीजन करना है। ज़्यादा हड़बड़ा कर बड़े से बड़े सेट को भी आप मत ले कीजिए। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे 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 सेट उठा लेते हैं जिसका क्वेश्चन बहुत टफ होगा, और कहते हैं अरे यार इसमें क्वेश्चन दिया है, गजब दिया है। अरे गजब का दिया भाई, आप देखिए तो बीपीएससी का पहले ये बिहार दरोगा का पेपर ही नहीं देख रहे हैं कि किस पैटर्न पे आ रहा है, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाए हुए हैं अजीब अजीब क्वेश्चन, और उसको बनाने में लगे हुए हैं, और बोलते यार ये तो दम, इसमें दम है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से आया ये, तो वैसा क्वेश्चन उठाने से फायदा क्या। दूसरी बात कि आप 100% के चक्कर मत रहिए। तीसरी बात, मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा हड़बड़ाने वाले बच्चे, ज़्यादा बड़बड़ बोलने वाले बच्चे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने टैलेंट को छुपा के और शांति से निकलिए। जैसे कि अगर मैं अगर आपको कहूँ कि कुछ सिलेबस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, तो पॉलिटिकल साइंस का मैंने बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, जैसे कि आपका संशोधन, कितने संशोधन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो एक वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। करीब करीब 8 संशोधन हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, किस वर्ष हुआ, क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, वो सब देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने एक डाला हुआ था ये क्या बोलते हैं संख्या, कि कितनी कितनी संख्या है, कुछ शपथ जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और अगर बिहार का एग्ज़ाम है तो स्टेट का जरूर देखिएगा, यानी विधानसभा, विधान परिषद और नगर पालिका और पंचायत, इन सब क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आता है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में। उसके बाद कुछ अनुच्छेद हैं जो मैं बताऊंगा आपको आगे, कि इन अनुच्छेद को जरूर याद कर लीजिएगा, वो हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि 395 अनुच्छेद तो याद होंगे नहीं आपको, और किसी को भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, बहुत दिल्ली में भी पढ़ाने वाले, विदेश में भी पढ़ाने वाले 395 अनुच्छेद किसी को याद नहीं होगा, और उतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कुछ अनुच्छेद जो हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगला वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल को इतना कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरा देखते हैं इतिहास, ठीक। अब इतिहास को अगर मैं बिहार दरोगा से टारगेट करूं कि बिहार दरोगा से क्या आना चाहिए, तो जैसे सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य समाज, ये सब है, सॉरी आर्य सभ्यता और जितने भी संस्था हैं आधुनिक भारत में वो बने हैं, उनको जरूर देखिए। बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, उसके बाद मौर्य समाज है, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हर्यक वंश, फिर आपका गुप्त वंश है, 1857 है, बक्सर का युद्ध है, पलासी का युद्ध है, चंपारण का है। इनमें एक खास बात यह है कि थोड़ा सा उन किताब को उठाइएगा, जैसे कि बिहार की कुछ किताब उठाइएगा और देखिएगा कि चंपारण में गांधी जी जब आए थे तो उनके साथ कौन कौन जुड़े थे, कहाँ गए थे, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है कि उनके जो नेता थे, उनके साथ जो जुड़े हुए थे बिहार के नेता, वो कितने खासियत वाले थे। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, उनका गांव का नाम क्या है, ये भी पूछ देता है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में जानना जरूरी है, उनके गांव के नाम भी आपको याद करना जरूरी है। तो कुछ नेताओं को टारगेट कीजिए। वीर कुंवर सिंह कितना बार आ चुका है, 1857 के जो जगदीशपुर से कौन लड़े थे, तो वीर कुंवर सिंह, चूँकि बिहार का एग्जाम था इसलिए बार बार पूछता है, पटना का भी पूछ सकता है कि 1857 में पटना के कौन थे, तो पीर अली, और उस समय गवर्नर कौन था, उस समय जनरल कौन था, ये सब चीज़ थोड़ा देखना होगा। इतिहास को आप यहाँ से टारगेट कीजिए, ठीक, यानी मौर्य समाज, गुप्त समाज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संस्था का नाम, कौन क्या बोला, कथन, इनको टारगेट कर लीजिएगा। दूसरी बात साइंस, साइंस में अगर केमिस्ट्री देखिएगा तो केमिस्ट्री में आपका अम्लीय, क्षारीय, ये सब देखिए, धातु और अधातु में जितने भी यौगिक हैं जो आपके काम लायक हैं, जैसे आपके जीवन में बहुत सारे काम लायक होते हैं, तो वो यौगिक को आप देख लीजिएगा, यौगिक के उपनाम जरूर देख लीजिएगा, ये केमिस्ट्री आपके लिए अच्छा, मतलब कि इतना ही अगर देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। प्लस जैसे कि मीटर, यानी कुछ यंत्र किस काम में आता है वो भी ज़्यादा आता है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत परमाणु संख्या, समस्थानिक, नाभिक अभिक्रिया, नाभिक संलयन, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा, ये तो फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, इनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, विद्युत, इनको टारगेट कीजिए। बायो में आपका देखिएगा तो आविष्कार ज़्यादा आते हैं, जैसे कि पेंसिलिन की खोज किसने की,
BCG का टीका, ये सब बीमारी का सब आता है, इसका खोज किसने किया, विटामिन खोज किसने किया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे पिछले बार दे दिया था आपको विटामिन के की कमी से होने वाले रोग टाइप का था क्वेश्चन, उसका उल्टा किया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बायो में, तो आप पूरा बायो पढ़ने से अच्छा है कि हम उतना ही पढ़ लें जितना मेरे काम के लायक है। अगर एक दो क्वेश्चन छूटता है तो छूटने दीजिए, 100% के चक्कर में एकदम मत फंसिएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक। ज्योग्राफी से मैंने देखा है अभी हाल ही में कि आपका झील अभ्यारण से तो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके बाद नदी परियोजना, फिर उसके बाद परमाणु रिएक्टर, जनजाति और कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरह के थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस विश्व का विकास करा रहा है, जैसे कि मरुस्थल हो गया, ज्वालामुखी हो गए, पर्वत हो गए, किस टाइप का पर्वत है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ज्योग्राफी में देखना होगा तो इतना ही देखिए, भारत के जो कुछ चैप्टर हैं। हाँ, जनगणना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, ठीक। इकोनॉमिक्स में कि भाई मैं किसी किताब का प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में बस इतना ही कहूँगा कि अब कोई PD आता है, प्रतियोगिता दर्पण, उसका एक अत्रतांक है, उसका पीछे 400-500 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को फाड़ लीजिए और एक बार उसको पढ़ लीजिए, यानी पेंसिल से टिक मारते चलिए, और एग्ज़ाम से पहले भी उसको थोड़ा टारगेट कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। और नया वाला लीजिएगा, पुराना वाला नहीं। नया वाला लेने से फ़ायदा ये है कि नए नए समिति जो बने होंगे वो आते हैं। हाँ, समिति से याद आया, आपके जितने भी पुराने समिति हैं लूसेंट में देखिएगा, पूरा लाइन से समिति वाला दिया हुआ है। BPSC में 2 समिति आया था, ठीक। तो इसी तरह से समिति को थोड़ा टारगेट कर लीजिए, वो आएगा ही आएगा, आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है। उसके बाद फिर ये हो गए, और करेंट अफेयर मैंने चर्चा कर ही लिया था कि पुरस्कार उसका दे सकते हैं। अगर आप इतना को ही इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं फंसने वाला है। विविध में भी देखिए, थोड़ा दिवस देख लीजिएगा, प्रदूषण से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस मुद्रा देख लीजिएगा, संसद देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा विविध आप देख लीजिएगा, कौन सा पेज है, येल्लो बुक, सरकारी बुक जो होता है वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो इस तरह से करने से आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। और याद भी करना होगा तो 2 दोस्त बनाइए, ज़्यादा नहीं, ग्रुपिंग में 10-20 लोग ग्रुप बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दोस्त, जिस कोचिंग में भी आप साथ जा रहे हैं और साथ आ रहे हैं, बस उनको साथ जाने और साथ आने में जितना क्वेश्चन आप एक दूसरे से दाग सकें, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपकी बात सुनेगा और जवाब देगा, और फिर ऊपर उधर से उधर वो भी क्वेश्चन करेगा। तो आने और जाने में, या कभी सर नहीं आते हैं तो आधा घंटा बैठे हुए हैं, 5 मिनट बैठे हुए हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा पूछोगे, इतना पूछोगे कि आपके दिमाग में यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा, और तब जाकर आपका निकल जाएगा। और रहा बात, सेट ज़्यादा मत मारिए, 1 सेट मारिए काफ़ी है, हड़बड़ा के वही बोले कि सुबह से शाम लगे रहिए तो और ना निकलने वाला है आपसे एग्ज़ाम। तो दूसरी बात कि अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो समझ गए होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि अविश्वास मेरे पे, अगर अविश्वास होगा तो आपको मेरा ये पूरा वीडियो महाबकवास लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ी भी मेरी बात को समझ में आया होगा, तो जनरल स्टडी को एग्ज़ाम के हिसाब से उस किताब को पढ़ना सीखिए, तब आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। नोट्स बनाइए, जितने फैक्ट हैं लूसेंट में उस सारे नोट्स को, या स्पीडी में फैक्ट को अलग अलग जगह पर लिख कर उसको याद कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा पूछने और उससे बोली पूछने की कोशिश कीजिए, तो आपका ये 1-1.5 महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका नौकरी लग गया रहेगा और आपका लाइफ बन जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है कि आपका लाइफ बने, ठीक है। फिर अगले वीडियो में, GS के वीडियो में मिलता हूँ मैं, अगर बात समझ में आए तो ठीक है, अगर कुछ भी और भी सवाल होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बात को अगर समझे होंगे तो आप बोलिए कि हाँ सर समझ में आया, नहीं आया तो बोलिए सर जी आपका बात बकवास लगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।